कुछ दिखाकर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कल आज और आज कल में बदल जाएगा, कुछ कहकर तो कुछ सहकर ये दौर भी चला जाएगा, बदलते परिवेश का आईना फिर कुछ नया दिखाएगा, कुछ खोकर कुछ पाकर ये नैया पार लगाएगा, आत्मनिर्भरता की भारत एक अद्भुत मिसाल बनाएगा, आत्मनिर्भरता की भारत एक अद्भुत मिसाल बनाएगा। जय हिंद। कोरोना संकट की वजह से पूरे विश्व में जो स्थिति है उसे हम सब देख रहे हैं, लेकिन अगर इस स्थिति को हम भारत के नजरिए से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो 21वीं सदी का भारत हमारा सपना ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आखिर इसका मार्ग क्या होगा? हमारे शास्त्रों में लिखा है एषः पंथ, अर्थात एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि निर्भरता ना सिर्फ हमें कमजोर करती है बल्कि हमारी सामर्थ्य और हमारी काबिलियत को भी हमसे दूर करती है। लेकिन याद रखिए, आत्मनिर्भर होने का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों की चीजों को रिजेक्ट करें बल्कि अपनी चीजों को औरों से बेहतर बनाना आत्मनिर्भर होना है। अब हमें एक नई संकल्प शक्ति, एक नई प्राण शक्ति से आगे बढ़ना होगा। मोदी जी के कहे अनुसार इस आपदा को एक अवसर में बदलना होगा। मैं आपको ये बात एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि जब भारत में कोरोना संकट आया तो हमारे देश में N95 मास्क और PPE किट्स का उत्पादन नाम मात्र था, लेकिन अब समय के साथ साथ हमारे देश में हर रोज 2 लाख N95 मास्क और PPE किट्स का उत्पादन होता है। इतनी दृढ़ है हम भारतीयों की संकल्प शक्ति। याद रखिए, भारत के विकास में हमेशा विश्व का विकास समाहित रहा है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीवी हो, पोलियो हो, कुपोषण हो, जब भारत इन सबसे मुक्ति प्राप्त करता है तो दुनिया पर भी प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का बहुत बड़ा योगदान है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया के लिए भारत की दवाइयां आशा लेकर पहुंचती हैं। याद करिए, जब शताब्दी की शुरुआत में Y2 संकट आया था तो दुनिया को भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इस संकट से निकाला था। तो अब क्या, अब तो हमारे पास साधन भी है, सामर्थ्य भी है और बेहतरीन टैलेंट भी। हम कर सकते हैं, कर रहे हैं और जरूर करेंगे। चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, हमने जो ठाना है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम स्वदेशी अपनाए। लेकिन आखिर इसका मार्ग क्या होगा? इसका मार्ग है भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। हम 130 करोड़ देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेना होगा। कहते हैं जहां चाह है वही राह है, और वो राह है आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। और इसका पहला कदम है अपने लोकल के लिए वोकल होना। याद कीजिए, जब लॉकडाउन था तो लोकल ने ही आपकी डिमांड पूरी की थी, लेकिन अब लोकल हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जिन ग्लोबल प्रोडक्ट्स का आप उपयोग करते हैं वो भी तो कभी लोकल हुआ करते थे, लेकिन वहां के वासियों ने उसका उपयोग किया और उसका प्रचार किया और लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाया। तो इंतजार किस बात का, आप भी उठिए, स्वदेशी अपनाइए और अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाइए। आप सभी आज मेरे साथ ये संकल्प लें कि विदेशी उत्पादों के बहिष्कार के बदले उससे बढ़िया उत्पाद बनाएंगे, खुद होंगे आत्मनिर्भर, भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे। पूरे विश्व में हो भारत का मान, स्वदेशी होना हो भारत की पहचान, स्वदेशी होना हो हमारे भारत की पहचान। जय हिंद। जय हिंद। मैं आज लोकल फॉर वोकल पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। त्योहार हमारे अपने हैं, देश हमारा अपना है। त्योहार हमारे अपने हैं, देश हमारा अपना है। जब त्योहार हमारे अपने हैं, देश हमारा अपना है, तो क्यों ना देश का पैसा देश में खर्च करके अपनों की कुछ मदद करें। तो क्यों ना हम देश का पैसा देश में खर्च करके अपनों की कुछ मदद करें। इस कोरोना के महासंकट ने हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। स्वदेशी क्रांतिकारी को लाकर अर्थव्यवस्था को सुधारें। स्वदेशी को अपनाने से रोजगार बढ़ जाएंगे। जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं उन्हें कुछ खाने का निवाला मिल जाएगा। विदेशी चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाना है।
विदेशी चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाना है। सरकार तो मदद कर रही है, अब हमें भी कुछ हाथ बटाना है। सरकार तो मदद कर रही है, अब हमें भी कुछ हाथ बटाना है। ब्रांडेड चीजों ने तो साथ छोड़ दिया, अपनों ने फिर भी साथ दिया। ब्रांडेड चीजों ने तो साथ छोड़ दिया, अपनों ने फिर भी साथ दिया। इस कोरोना के महासंकट ने हमें अपनों का महत्व समझा दिया। इस कोरोना के महासंकट ने हमें अपनों का महत्व समझा दिया। ब्रांडेड चीजों पर हमने अपना सारा पैसा लुटा दिया। ब्रांडेड चीजों पर हमने अपना सारा पैसा लुटा दिया। दिखावे की इस दुनिया में अपनों को ही पीछे धकेल दिया। दिखावे की इस दुनिया में अपनों को ही पीछे धकेल दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस सोच को हमें भगाना है, इस सोच को हमें भगाना है। लोकल को वोकल करके, लोकल को वोकल करके एक नया प्राण बनाना है। लोकल को वोकल करके एक नया प्राण बनाना है। मेड इन इंडिया टैग हो जिस पर, मेड इन इंडिया टैग हो जिस पर, उसे घर घर पहुंचाना है, उसे घर घर पहुंचाना है। जय हिंद।